ये कहानी है विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति। एक ऐसा शख्स जो अलग अलग वक्त पर इन सभी पदों पर रहा, जिनके सामने प्रधानमंत्री बनने की भी पेशकश की लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। हम बात कर रहे हैं देश के नौवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। उस समय भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता था। अब यह मध्य प्रदेश में आता है। इनके पिता का नाम पंडित खुशीलाल शर्मा था और वह एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इनकी माता का नाम श्रीमती सुभद्रा देवी था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय दिगंबर जैन स्कूल से हासिल की। उन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज, आगरा और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि अर्जित की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां कानून की शिक्षा ग्रहण की और PhD की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय ने शंकर दयाल शर्मा को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद विभूति से अलंकृत किया था। कुछ समय तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून के अध्यापक रहने के बाद वह भारत लौट आए और लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून का अध्यापन कार्य करते रहे। 7 मई 1950 में श्री शंकर दयाल शर्मा का विवाह विमला शर्मा के साथ संपन्न हुआ। शर्मा दाम्पत्य को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। अध्यापन के दौरान डॉक्टर शर्मा पर देश के तत्कालीन परिस्थितियों का काफी प्रभाव पड़ा। जब संपूर्ण राष्ट्र स्वाधीनता प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहा था तो भला वह कैसे पीछे रह सकते थे। 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत समस्त भारतवर्ष उठ खड़ा हुआ था तो वह भी इसके सिपाही बने। तब इन्हें भोपाल की अदालत द्वारा कैद की सजा सुनाई। इन्हें दूसरी बार कारावास तब हुआ जब 1948 में भोपाल स्टेट का भारतीय गणतंत्र में विलय हेतु आंदोलन किया गया। देश के स्वतंत्र होने पर शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक भोपाल राज्यसभा के सांसद चुने गए और प्रथम मुख्यमंत्री बने। राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुछ समय तक वह मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1956 में लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्र सरकार के संचार मंत्री बने। 1971 में वे 5वीं लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। कांग्रेस संगठन से अपना निकट का संबंध रखा। 1950 से 1952 में भोपाल कांग्रेस कमेटी की और फिर 1967 से 1968 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की। 1967 से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे। 1967 से 1972 तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे और 1972 से 1974 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित थे। शंकर दयाल शर्मा बहुत तज्ञ थे। साहित्य, कला, विज्ञान में उनकी समान रुचि थी। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने विभिन्न खेलों में भी बढ़कर भाग लिया था। शंकर दयाल शर्मा ने कई ग्रंथों की रचना की और कुछ पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। अपने राजनीतिक जीवन में वे आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर रहे थे। जब वे आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे तभी उन्हें बेहद बुरी खबर मिली। शंकर दयाल शर्मा की बेटी थी गीतांजलि। उनके पति थे दिल्ली के तेज तरार युवा नेता ललित माकन। वह साउथ दिल्ली सीट से लोकसभा सांसद भी थे। उन पर सिख दंगों के दौरान भीड़ भड़काने का आरोप लगा था। इन दोनों को सिख आतंकवादियों ने मार दिया था। इन आतंकवादियों के नाम थे हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सुक्का, रंजीत सिंह गिल उर्फ कुक्की। तीनों ने माकन को उनके वेस्ट दिल्ली के कीर्ति नगर वाले घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया। तारीख थी 31 जुलाई 1950। सुक्का 1986 में पकड़ा गया। अगले साल जिंदा भी दबोच लिया गया। दोनों को जनरल वैद की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी गई। अपील राष्ट्रपति के पास पहुंची। राष्ट्रपति का नाम शंकर दयाल शर्मा। बाप, बेटी, दामाद के हत्यारे को, देश के जनरल के हत्यारे को माफी कैसे दे सकता था। 9 अक्टूबर 1992 को जिंदा और सुखा को पुणे की यड़वड़ा जेल में फांसी दे दी गई। 21 मई 1991 राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद कांग्रेस की सबसे ताकतवर संस्था वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बने। सोनिया ने इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर मीटिंग हुई, फिर इनकार कर दिया।
हालांकि एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें शुक्रिया अदा किया। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बीच अध्यक्ष बनने को लेकर होड़ सी शुरू हो गई। यह लगभग साफ हो चुका था जो इस पद पर कब्जा करेगा वह सत्ता आने पर पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार होगा। सत्ता आती दिख रही थी क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी। ताल ठोक के खड़े थे यूपी के एनडी तिवारी, एमपी के अर्जुन सिंह, महाराष्ट्र के शरद पवार, इसके अलावा कुछ छुटभैया भी जोर लगा रहे थे। कांटा उसी की तरफ झुकना था जिसे गांधी परिवार का यानी कि सोनिया का आशीर्वाद मिलता। सबकी समझ यह है कि सोनिया गांधी ने परिवार के पुराने वफादार आंध्र प्रदेश के नेता पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर मोहर लगाई, मगर यह पूरा सच नहीं है। राव सोनिया की पहली पसंद नहीं थे, पहली पसंद थे उस वक्त के उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। इस वाक्य का उस वक्त गांधी परिवार के खास रहे नेता नटवर सिंह बयान करते हैं। नटवर के मुताबिक पॉलिटिकल हालात पर चर्चा के लिए सोनिया ने बुजुर्ग ब्यूरोक्रेट पीएन हस्कर से डिक्शन किया। हस्कर ने शर्मा का नाम सुझाया। नेहरू परिवार की बरसों से दोस्त अरुणा आसफ अली को शर्मा तक सोनिया का संदेश पहुंचाने की जिम्मा दी। शंकर दयाल ने जवाब दिया, मैं इस प्रस्ताव से बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, मगर मेरी अब उम्र हो गई है, सेहत भी ऐसी नहीं रहती कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊं, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हाँ कहने का कोई फायदा नहीं। फिर हस्कर ने राव का नाम सुझाया और राजीव गांधी की हत्या के ठीक एक महीने बाद पार्टी के तमाम दावेदार को चित करते हुए 21 जून को नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। 1991 में प्रधानमंत्री पद की पेशकश ठुकराने वाले शंकर दयाल शर्मा एक साल बाद ही 1992 में राष्ट्रपति पद के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति शर्मा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला बीजेपी और राष्ट्रीय मोर्चा निर्दलीय उम्मीदवार जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल से था। शर्मा आसानी से जीत गए। उन्हें मिले वोट का इलेक्ट्रोलियल वैल्यू 675,864 रहा, जबकि स्वेल का 346,485 रहा। मशहूर वकील राम जेठमलानी भी मैदान में थे, लेकिन उनका इलेक्शन वैल्यू महज 2,704 रहा। इस तरह शंकर दयाल शर्मा देश के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो 1997 तक अपने पद पर रहे। अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लगातार गिरते स्वास्थ्य से काफी परेशान रहने लगे। 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया। शंकर दयाल शर्मा बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वह अपने काम के प्रति बेहद संजीदा और प्रतिबद्ध रहा करते थे। इसके अलावा वह संसद के नियम कानून का सख्ती से पालन करते थे और उनका सम्मान करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार राज्यसभा में एक मौके पर वो इसलिए रो पड़े थे क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों ने किसी राजनीति मुद्दे पर संसद को जाम कर दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।